दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या है ऐसा सैमसंग फ्रेम में, 10 रीजंस मैंने चूज किए हैं कि क्यों मैं सैमसंग फ्रेम को सजेस्ट करता हूं अंडर 1 लाख बेस्ट टीवी है मेरे हिसाब से, क्यों प्रॉपर आपको इस वीडियो के अंत में आंसर मिल जाएगा। वैसे आपको ये टीवी खरीदनी हो तो यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके आप इस टीवी खरीद सकते हैं। इट्स ऑलवेज ऑन सेल, आप हमेशा ऐसे सेम प्राइस पर पाएंगे, चाहे सेल चल रही हो चाहे सेल नहीं चल रही हो। लेट्स गेट कंफर्टेबल और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रीजन है हमारा अमेजिंग ब्राइटनेस। ओके, नॉर्मल टीवीज में आपको ब्राइटनेस मिलती है 300, 400, 350, 400 के आसपास, बट ये टीवी पीक ब्राइटनेस 500 से ऊपर जाती है और सस्टेन ब्राइटनेस ऑफ लाइक 400, 350, 380 के आसपास मिलती है इसमें, जो कि एक अमेजिंग ब्राइटनेस है। इट्स जस्ट टू ब्राइट टू इवन, मतलब शूट करने के लिए भी बहुत दिक्कत हो जाती है जब हम शूट करते हैं कैमरा को, तो शटर एपर्चर पूरे रूम की ब्राइटनेस इतनी फुलफिल नहीं हो पाती, शॉट इतना गंदा लगता है कि बाकी सब चीज़ें अंधेरे में लगती हैं। तो हम रिव्यूअर्स के लिए भी शूट करना सैमसंग फ्रेम को बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमेजिंगली ब्राइट टीवी है, हमें रूम भी उतना ही ब्राइट करना पड़ता है ताकि हम अच्छे से शूट कर पाए उसको। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस है। अब लोग बोलते हैं ब्राइटनेस का इतना यूज़ क्या है, तो यहाँ पर हमारा आता है सेकंड रीजन, क्यूलेट पैनल विद अमेजिंग एचडीआर कंटेंट एंड अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी। देखो, एचडीआर कंटेंट उतना अच्छा दिखेगा आपको जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस है। आई नो लोग कहते हैं कि इसमें डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं है, फिर भी मैं इसका एचडीआर कंटेंट अमेजिंग बता रहा हूँ, क्योंकि देखो सर्टिफिकेशन की उनको जरूरत होती है जो अपना टीवी नहीं बेच पा रहे हैं या फिर जिनको कुछ प्रूव करने की जरूरत है। सैमसंग के एचडीआर को यहाँ पर प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ये डॉल्बी विजन सर्टिफाइड है, इट्स जस्ट लाइक एक सर्टिफिकेशन यार, एक अवार्ड दे दिया कि हाँ भाई ये डॉल्बी विजन सर्टिफाइड टीवी है, उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका एचडीआर कंटेंट इतना अमेजिंग चलता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती, ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली एचडीआर कंटेंट अच्छा चलेगा। और सच कहूँ तो मैंने आज तक किसी भी टीवी में 1 लाख तक की में इतना अच्छा एचडीआर कंटेंट नहीं देखा है। और मैंने इस पर बहुत सारे कंटेंट देखे हैं, लाइक डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अपने मैंने मार्वल की मूवीज़ देखी हैं एचडीआर में जो अवेलेबल हैं, एवेंजर्स एंड गेम देखी है मैंने इस पर, इन्फिनिटी वॉर, थॉर रैग्नारॉक, उसके अलावा मैंने डिज्नी का और भी कंटेंट देखा है, नेटफ्लिक्स पे एचडीआर कंटेंट देखा है मैंने, अभी बहुत सारे कंटेंट जैसे सेकंड गेम्स एचडीआर में था और भी सौ तरह के कंटेंट है, सब एचडीआर में इसमें मस्त चलता है, नेवर नो फ्लिकरिंग एट ऑल एंड नथिंग एट ऑल। और पिक्चर क्वालिटी की अपस्केलिंग की बात करें तो टाटा स्काई का यूज़ कंटेंट, मतलब टाटा स्काई यूज़ करता हूँ मैं, और जो HD से वो 4K में अपस्केलिंग होती है नॉर्मल चैनल्स की होती है, वो बहुत मस्त होती है। एंड सच में आपको लगता है कि यू आर वॉचिंग अ 4K कंटेंट इवन दो इट्स जस्ट 1080p। और सच में मतलब वो अच्छा लगा है कि जब भी इस पर टाटा स्काई का सेटअप उसको कंटेंट चलाता हूँ, मुझे लगता है कि यार लाइक बहुत अच्छी अपस्केलिंग है। सोनी की अपस्केलिंग मानी जाती है बहुत अच्छी अपस्केलिंग होती है, उसके लेवल की ही है, उससे ज़्यादा ही होगी, इसमें कम तो नहीं है डेफिनेटली, बहुत लंबा ब्राइटनेस में हो गया मैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, वेरी गुड साउंड क्वालिटी। ओके, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें साउंड बार लगा हुआ है, इफ यू हैव अ साउंड बार दैट्स गुड, बट यू डोंट हैव इट देन इट्स टोटली ओके विद दिस टीवी, क्योंकि 40 वॉट का जो इसमें स्पीकर है 55 इंच पे, इफ यू हैव अ 50 इंच टीवी सैमसंग फ्रेम 2021 का मॉडल, देन यू विल हैव अ 20 वॉट स्पीकर दैट्स नॉट अप टू द मार्क, जो कि सैमसंग 55 इंच में फ्रेम 55 इंच में आपको 40 वॉट की मिलेगी, उसके आसपास नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छी ऑडियो क्वालिटी मिलती है एंड रूम फीलिंग है, आप फुल वॉल्यूम में कभी नहीं चलाने वाले हो, लाइक 40 या 30 का जो मेरा लिविंग रूम है, मैं इससे ज़्यादा कभी ऑडियो पे गया नहीं, एंड एवरीथिंग इज़ ग्रेट। जो रिमोट है इनका, उसी से आप अपना सारा मतलब कंट्रोल कर सकते हो, सेटअप बॉक्स की आवाज़ वगैरह सब कुछ, वो सब है ही फीचर्स में, स्मूथेस्ट UI इन द मार्केट। ओके, आई हैव समथिंग्स टू से अबाउट दिस टाइजन OS। ओके, लोग कहते हैं कि एंड्रॉयड टीवी या फिर गूगल टीवी एंड ऑल LG अपना वेबOS बेचता है, सब अच्छे हैं, बट जो टाइजन OS का जो बूट टाइम है ना, इट्स जस्ट सो अमेजिंग, 10 से 12 सेकंड इज द मैक्स टाइम जो स्टार्ट हो जाती है, कई बार तो जल्दी हो जाती है 8-10 सेकंड में, जो आपने स्विच से बंद कर रखी है उसके बाद भी आप स्टार्ट करोगे 8-10 सेकंड, अगर आपने स्विच से बंद नहीं कर रखी तो जस्ट 1 और 2 सेकंड लगते हैं आपकी टीवी स्टार्ट हो जाती है। दिस इज जस्ट टू फास्ट, आपको जस्ट टीवी देखनी है यार, आपको ऑन करने में 20 सेकंड खराब नहीं करने, 35 सेकंड खराब नहीं करने, एंड्रॉइड टीवी टेक अप टू लाइक 40 सेकंड्स टू स्टार्ट। सैमसंग की ये चीज़ बहुत अच्छी है कि 15,000 का टीवी हो चाहे 1.5 लाख का टीवी, आपका 15 सेकंड से कम में स्टार्ट हो जाता है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। UI की बात करें तो सिंपल, आपका ऐप्स का जो ड्रॉअर मिलता है 15-20 ऐप आप अपने डाउनलोड करके रखो जो कि नॉर्मल होते हैं, आप ऐसा कुछ हाई फाई गेमिंग वेमिंग ऐप्स नहीं होते इनके पास, लेकिन अब वो भी आ रहा है 2022 के जो मॉडल्स हैं इन्होंने GeForce Now के साथ टाइप किया है, तो और भी अच्छा इनका OS हो जाएगा गेमिंग और ऐप्स के मामले में, लेकिन जो भी पॉपुलर ऐप्स हैं वो सब इसमें आपको मिल जाएंगे, ऐप्स के मामले में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, साइड लोड वगैरह नहीं कर सकते हो माना, लेकिन इनका ऐप्स जो है वो काफ़ी वास्ट है, आपको लगभग सभी पॉपुलर ऐप्स आपको इसमें मिल जाएंगे।
ओके काइंड ऑफ वायरलेस टीवी आई हैव टू से जो इनका वन कनेक्ट बॉक्स है, एक इतना सा बॉक्स होता है जो कि पहले इतना होता था, अब और छोटा हो गया 2021 में, 2022 में शायद और छोटा कर दें, उसमें चार एचडीएमआई के पोर्ट, लैन पोर्ट और वो सारे पोर्ट दिए होते हैं। अब उस बॉक्स को कहीं भी रख दो रूम में, उससे एक पतली सी फाइबर केबल निकलती है, वो केबल बहुत महंगी होती है, तो प्लीज़ मेक श्योर उस केबल को आप डैमेज ना करें। उस केबल को अगर आप छुपा दें दीवार के अंदर पैप डाल के या फिर नहीं भी छुपाएं तो वो दिखती भी नहीं है, तो एकदम टीवी ऐसी लगती है कि वायरलेस टीवी, एक फ्रेम सा टंग जाता है टीवी पे, और जो भी आपके घर आता है ना गेस्ट, वो हमेशा कह के जाएगा कि यार ये बहुत सही टीवी है, आई हैवंट सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर, ये कह के जाएगा, मैं मेरी गारंटी आपसे। 4K 120 हर्ट्ज़ का सपोर्ट है, मेक्स दिस टीवी फॉर अमेजिंग टीवी फॉर टू बी यूज एज अ टीवी मॉनिटर और एज गेमिंग पीसी के लिए लगा रहे हो आप। जैसे मान लो आपके पास एक नॉर्मल पीसी है, आप 120 हर्ट्ज का पैनल है तो इससे फायदा ही होगा, कि नॉर्मल पीसी बता रहा हूँ, गेमिंग पीसी नहीं, नॉर्मल पीसी है तो भी आप 1440p में 120 हर्ट्ज आराम से देख पाएंगे। सच कहूँ तो 2020 का जो मॉडल है मेरे पास, वो मैं एज अ पर्सनल, मेरा जो मॉनिटर है वो आज वही यूज़ कर रहा हूँ, 55 इंच का इतना बड़ा ह्यूज मॉनिटर विद 120 हर्ट्ज सपोर्ट, अच्छा लगता है। 4K 120 हर्ट्ज भी सपोर्ट करता है, बट फॉर दैट यू हैव टू हैव HDMI 2.1 का आउटपुट, जो कि बहुत कम लैपटॉप्स में आता है, या फिर आपको थंडरबोल्ट 3 से कन्वर्ट करके डालना पड़ेगा, और वेरिएबल रिफ्रेश रेट सब वो आपको सपोर्ट करता ही है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आने वाली है। याद रहे 4K 120 हर्ट्ज का सपोर्ट सिर्फ 55-65 में मिलेगा, 50 इंच वाले मॉडल में आपको नहीं मिलता है। ओके सोलर रिमोट, ये चीज़ भी बहुत अच्छी है, जो इनका रिमोट है ना, सबसे पहले तो इनका रिमोट सैमसंग की बहुत बढ़िया बात है कि आपको टाटा स्काई सेट टॉप बॉक्स या फिर फॉर गॉड सेक एनी रिमोट उठाना ही नहीं पड़ता है। जो इनका सोलर रिमोट है उसी से आप सारा जो भी आपका सिस्टम है, साउंड बार है या फिर सेट टॉप बॉक्स है या फिर ब्लू रे है, सब कुछ आप उसी से कंट्रोल कर पाओगे एक रिमोट से। वॉइस सर्च में आपको एलेक्सा, गूगल और बिक्सबी तीनों का सपोर्ट मिलता है, एंड द रिमोट इज जस्ट ऑसम। जो उसका व्हील होता है वॉल्यूम प्लस मैन वो ऊपर नीचे वाला, वो भी बहुत सही है, एंड एवरीथिंग इज जस्ट ग्रेट। और आपको बैटरीज भी नहीं डालनी पड़ती है, तो एनवायरमेंट के लिए भी फ्रेंडली हो जाता है कुल मिला के। आप उसमें रूम में लाइट है थोड़ी बहुत, तो थोड़ा बहुत चार्ज हो जाता है। मैंने शायद 7 महीने में इसको बस एक बार चार्ज किया है, जब जरूरत पड़ गई थी, लाइक जब नया नया आया था तो जल्दी बैटरी खत्म हो गई थी, तो लाइट इतनी जल नहीं पाई और चार्ज नहीं हो पाया वो, तो टाइप सी का पोर्ट दिया हुआ है, आप उससे भी इसको चार्ज कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आने वाली है। ओके 8वां पॉइंट मैं बताऊंगा, मल्टी कलर बेजल। 2020 में 2019 के मॉडल में इतना नहीं था, 2021 के मॉडल में इन्होंने अच्छा किया कि व्हाइट कलर की बेजल या फिर गोल्डन कलर की बेजल, टीक कलर, और भी 100 तरह के कलर हैं, आप उनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो और अपनी टीवी को कस्टमाइजेबल लुक दे सकते हो अपनी वॉल के हिसाब से। मैंने यहाँ पर गोल्डन की तरफ गया हूँ कि लाइक मैंने गोल्डन टी कलर की बेजल लगाई है, और बैकग्राउंड में भी मैंने उसी कलर का थोड़ा सा बैकग्राउंड देने की कोशिश की है, तो एकदम ऐसा लगता है इट्स एन आर्ट टीवी, एक दीवार में चिपकी हुई है, बहुत मतलब बहुत सही प्यारा लुक आता है, आप खुद ही देख लीजिए, इट्स जस्ट लुक्स सो ऑसम। ओके लुक्स लाइक ए पिक्चर फ्रेम, ऑब्वियसली मैंने जस्ट अभी पिछले वीडियो में मैंने जस्ट इसी के बारे में बताया है कि मैंने ऐसा सेटअप बनाया है गोल्डन कलर का कि बहुत मस्त लगता है। इसमें आप अपने पर्सनल फोटोज़ भी चला सकते हो, आप अपने लाइक पिक्चर डायरी बना सकते हो, उसमें अपने फोटोज सेलेक्ट कर लो, वो चेंज होते रहेंगे बार बार, या फिर आर्ट वाला जो उनका सिस्टम है, आर्ट स्टोर है, उससे आप खरीद भी सकते हो। वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि यार फोटोज़ क्यों खरीदे कोई, जैसे अगर आप मोशन एरे वगैरह पे हो तो आप वहाँ से सब्सक्रिप्शन है आपके पास, वहाँ से डाउनलोड करके भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ओके लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइस इज सो राइट फॉर दिस टीवी, इट्स ऑलवेज ऑन सेल यार, मतलब आप कभी भी जाओगे 88,000-90,000, मतलब 2,000-4,000 रुपये के डिफरेंस पे इट, आप इस टीवी को MRP पर खरीद के दिखा दो। ये 55 इंच का MRP इसका है 1,20,000 के आसपास, जो कभी नहीं होता, हमेशा 80 से लेकर 90 के बीच में ही यार टीवी आपको पड़ने वाला है हमेशा, और विच इज़ अ ग्रेट प्राइस फॉर दिस कैलिबर टीवी। आप एक फ्रेम मोड मिल रहा है आपको, 55 इंच की टीवी मिल रही है, वायरलेस टीवी है एकदम, वन कनेक्ट बॉक्स के साथ, अमेजिंग सोलर रिमोट एंड एवरीथिंग यू कैन आस्क इन अ 55 इंच टीवी आपको इसमें मिलता है। तो ये थे 10 रीजंस जो कि मैं मानता हूं कि ये 10 रीजंस सोनी X80J या फिर LG की जो OLED उसमें बर्न इन की प्रॉब्लम आ जाती है, सोनी X80 की पिक्चर क्वालिटी इसके बराबर नहीं लगती मुझे पर्सनली, कलर्स इसमें ज़्यादा बेटर दिखते हैं मुझे, मेरे हिसाब से सोनी X80 भी मैं देख के आया था, मैंने रिव्यू नहीं किया बट मैं देख के आया था, जो मुझे कलर्स लगे वो इससे ज़्यादा बेहतर नहीं लगे। तो कुल मिला के सैमसंग फ्रेम इज़ द बेस्ट टीवी यू कैन बाई अंडर 1 लाख, अभी सेल भी चली हुई है तो आप वहाँ से जाके और डिस्काउंट भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। आप यहाँ तक पहुँच गए हो, आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो गलत बात है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बिकॉज हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। कोई सवाल या सुझाव हो तो आप फोन नंबर पर इस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर contact@theduryrabar.com पर मेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। हाइट बढ़िया यार।